हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं पिलबॉक्स हॉस्पिटल का इंटीरियर। एंड ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये गैप्स वाला पिलबॉक्स नहीं है, ये थोड़ा अलग पिलबॉक्स है। एंड अगर आपको YouTube पे इसके वीडियो देखनी है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, पर इस वीडियो में इसकी ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। तो इससे अच्छा आप ये वीडियो देखो, आपको सब समझ आ जाएगा कि क्या क्या है। सो ये जो MLO है ये हमें मिलता है मैफ फॉर ऑल की तरफ से। एंड इन्होंने काफ़ी सारे इंटीरियर्स MLOs बना रखे हैं एंड आप ये सारे देख सकते हो, इनकी प्राइसिंग वगैरह सब मेंशनड है। एंड अगर आपको ये सारे चाहिए तो आप इनका एक पैकेज आता है 20 यूरो का, 20 यूरोज़ का, तो आप वो बाय कर सकते हैं। एंड उसमें आपको ये सारे MLO मिल जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सिस्टम पे। तो मेरे पास इनका ये पूरा पैकेज है एंड इसमें जितने भी इंटीरियर्स होते हैं, MLOs होते हैं, हम वो सारे देख लेंगे आने वाली काफ़ी सारी वीडियोस में। सो आज सिर्फ बात है पिलबॉक्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे को यहाँ पे इन्होंने दो फाइल्स दी हैं, एक ये और एक ये। इसके अंदर इनके MLOs है। सो मैं आज इंस्टॉल कर रहा हूँ यहाँ पे पिलबॉक्स हॉस्पिटल। सो सीधा चलते हैं हम अपनी फाइल्स में। एंड फाइल में आने के बाद मैं खोलता हूँ डिफ़ॉल्ट मैप्स और सबसे पहले मैं पुराने वाला जो इंटीरियर है वो हटा देता हूँ यहाँ से। सो यहाँ से मैंने इसको कर दिया डिलीट एंड उसके बाद नए वाले इंटीरियर को कर देता हूँ एक्सट्रैक्ट। इंटीरियर के साथ साथ ये लोग हमें इसकी डोर ट्यूनिंग एंड साउंड पैक वो सब देते हैं, साथ में मिलता है, आपको उसके लिए कोई अलग से पैसे नहीं देने पड़ते। तो ये दूसरी वाली फाइल में मेरे को ये मिला है इंपॉर्टेंट में जाके इस फाइल में। एंड अगर आप इस रीडमी फाइल को ओपन करते हो तो आपको दिख जाएगा कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होगी। सो आप अगर देखते हो तो इसको इसमें आपको बोला कि आपको इसको इस पाथ पे ही रखना है, आगे पीछे नहीं करना। तो हम इसको उसी पाथ पे रखते हैं जो था रिसोर्सेज के फोल्डर में जाके इसको डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट मैप्स के अंदर उस MLO को डाल दिया है एंड इसको यहाँ पे डाल दिया। तो मेरे को इसको इंश्योर करना पड़ेगा अपने सर्वर CFG में। यहाँ पे आ गया मैं नीचे एंड यहाँ पे इंश्योर एंड सेव। एंड सर्वर स्टार्ट करने से पहले याद रखना कि इसमें बॉब IPL भी होता है। एंड अगर आप यहाँ पे पिलबॉक्स का पुराना वाला इंटीरियर हटा के कुछ नया डाल रहे हो तो बॉब IPL से पिलबॉक्स के जो डोर्स हैं आपको वो ओपन करने पड़ेंगे। वहाँ पे आपको बस एक फॉल्स लिखना है एंड वो हो जाएगा अपने आप। सो उसके लिए आपको जाना है स्टैंड अलोन में, बॉब IPL एंड क्लाइंट। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ पिलबॉक्स, तो आप देख सकते हैं पिलबॉक्स हॉस्पिटल .enable, इसको आपको करना है फॉल्स। इसको भी सेव कर दो और चलते हैं हम अपने सर्वर में अब। 1 minute later। सो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपने सर्वर के अंदर एंड यहाँ पे आ गया हूँ मैं पिलबॉक्स हॉस्पिटल के बाहर। तो आगे से ये कुछ ऐसा दिखता है आपको एंड यहाँ पे कोई पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है जो गैप्स वाले पिलबॉक्स में थी शायद। एंड ये आ गया इसका मेन डोर एंड यहाँ से अब चलते हैं अंदर। एंड ये आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगा बाकी किसी पिलबॉक्स हॉस्पिटल में, बिकॉज जो गैप्स वाले वो तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, बट ये वाला कुछ अलग है। तो आप एक बार ही देखो, यहाँ से ये कुछ ऐसा दिखता है एंड आते ही आपको लेफ्ट में कुछ सिटिंग एरिया मिलता है, ये काउंटर्स आ गए हमारे एंड ये वार्ड ए है। अभी ATM भी आपको मिल जाता है यहीं पे। एंड यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको ये रूम दिखाऊं तो ये कुछ स्टाफ रूम है, स्टाफ रूम टाइप है। एंड आगे चलता हूँ तो ये लॉकर रूम आ गया स्टाफ का। इसके अंदर मैंने अभी कोई स्क्रिप्ट मतलब हमने सेट नहीं करी है इसके लिए, इसको भी हम कर सकते हैं किसी भी हॉस्पिटल के लिए, वो तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स वगैरह चेंज करने होते हैं, वो आप इजीली कर सकते हो। सो ये लॉन्ड्री आ जाती है यहाँ पे, लॉन्ड्री रूम, एग्जामिनेशन रूम आई चेक वगैरह के लिए एंड वही सब ये सेम है, दो तीन रूम। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये सप्लाई रूम, यहाँ से मेडिसिन वगैरह डॉक्टर रिफिल कर सकते हैं अपने लिए। उसके बाद कंसल्टिंग रूम, ये कुछ ऐसा मिलता हमें। एंड इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें लिफ्ट देखने को मिलती है एंड लिफ्ट के बाद यहाँ पे वार्ड सी और वॉशरूम्स उधर। अब एक बार इधर आ जाते हैं तो अगर आप इस रास्ते से सीधा इस इधर आते हो तो आपको ये वाला डोर मिलता है, वार्ड बी है ये। एंड सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे MRI रूम है और ये सारे कनेक्टेड हैं, ये तीन रूम इकट्ठे कनेक्टेड हैं। सो वहाँ से निकलते ही यहाँ पे आ जाता है इमरजेंसी रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बेड लगे हुए हैं, यहाँ पे आप
आराम से अपने कोऑर्डिनेट्स सेट कर सकते हो प्लेयर रिस्पॉन के एंड वो सब। उसके बाद यहाँ पे एक ऑपरेशन थिएटर है, ऑपरेशन रूम है, ये कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो ये था वार्ड ए, वार्ड बी, एंड अब चलते हैं वार्ड सी की तरफ। तो यहाँ पे आपको कुछ इतना सा ओपन एरिया मिलता है, यहाँ पे आप हाथ वगैरह धो सकते हो शायद, मेरे को पता नहीं है वैसे इन चीज़ों का। यहाँ पे थोड़ा और ओपन एरिया मिलता है, यहाँ पे आप शायद अपना मेडिसिन बाय करने वाला सिस्टम लगा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो अभी यहाँ पे, वो आपकी मर्जी है। सो यहाँ पे आ जाते रिकवरी रूम, यहाँ पे मतलब ये एक पर्सनल रूम टाइप होगा फॉर कॉप आर पे, आप शायद इसका यूज़ कर सकते हो। ये भी रिकवरी रूम, ये दोनों ये सारे सेम होंगे, एंड यहाँ भी रिकवरी रूम्स। सो ये था पिलबॉक्स का फोर्थ फ्लोर। अब चलते हैं हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे मैंने लिफ्ट अभी सेटअप नहीं करी है, नहीं तो मैं लिफ्ट के थ्रू सीधा जा सकता था। तो यहाँ से मैं करता हूँ नो क्लिप। सो अब मैं आ चुका हूँ इसके ग्राउंड फ्लोर पे, एंड यहाँ ये भी बाहर से बिल्कुल वही सेम है, बट यहाँ पे आपको पार्किंग मिल जाती है इस साइड पे। सो एक बारी चलते हम अंदर, और ये आपको कुछ ऐसा दिखते हैं। यहाँ पे आप फिर से चेक इन का ऑप्शन आप डाल सकते हो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पिलबॉक्स हॉस्पिटल चेक इन, एंड ये सारे यहाँ पे रूम्स वगैरह हैं, स्मॉल स्मॉल कैबिन टाइप्स हैं, एंड ये सारे डोर खुलते भी हैं। आप अगर इसके पास जाओगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो चार यहाँ पे है, चार रूम आपको वहाँ पे मिलते हैं, एंड बीच में कुछ एरिया है, यहाँ पे भी आप सेटअप कर सकते हो ऑन ड्यूटी ऑफ ड्यूटी वगैरह वाला सिस्टम, और ये सब है इसमें। एंड अब चलते हैं यहाँ पे आगे से, यहाँ पे मिलता है वेटिंग रूम। और इधर लेफ्ट में वॉशरूम है, एंड यहाँ पे वो वाली लिफ्ट जो ऊपर से हमें नीचे कनेक्ट करती है। और ये लास्ट यहाँ पे वार्ड ई, इधर मिलता है हमें एक्सरे रूम, और ये भी फिर से कनेक्टेड आ गए यहाँ पे। ये शायद एमआरआई का रूम होगा, हाँ एमआरआई, एंड यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर। सेम वही ऑपरेशन थिएटर यहाँ पे भी। और ये लास्ट वार्ड एफ, तो यहाँ पे दो रास्ते जाएंगे, यहाँ पे लेबोरेटरी है, यहाँ पे आप सैंपल वगैरह चेक वगैरह कर सकते हो, सारी मशीन्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड यहाँ पे लास्ट मर्चरी, यहाँ पे बॉडीज वगैरह रखते हैं ये उसके लिए। अब बात आ जाती है पार्किंग की। तो पार्किंग हमें यहाँ पे मिलती है, पर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आपको वो भी एक बारी दिखा देता हूँ। सो इस गेट से आते ही आपको यहाँ पे राइट जाने का ऑप्शन मिलता है, एंड यहाँ पे एक छोटी सी पार्किंग है, एंड ये प्रैक्टिकल समझ सकते हो, बिकॉज ज़्यादा बड़ी पार्किंग का तो हमें कुछ करना भी नहीं, क्योंकि लोग ओपन में पार्क करते हैं, तो ये एरिया ठीक है, डिसेंट है फॉर पिलबॉक्स में स्टाफ की पार्किंग के लिए, या फिर कॉप वगैरह अगर पार्क करते आके, सो उनके लिए डिसेंट है एरिया। एंड यहाँ से वापस हम बाहर चले जाते हैं। सो यही थी दोस्तों एक छोटी सी वीडियो इस पिलबॉक्स के इंटीरियर पे, एंड अगर आपको ये इंटीरियर पसंद आता है सो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, एंड आपके लिए एक प्रोमो कोड का भी जुगाड़ किया जिससे आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से भी। सो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं पिलबॉक्स तो आप यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सारे सर्वर्स में इस टाइम एक कॉमन इंटीरियर हो रखा है, तो अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो सो आप ये डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। एंड अगर आपको इसको टेस्ट करना है खुद से तो आप इसके डेवलपर के डिस्कॉर्ड सर्वर पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको इनका टेस्ट सर्वर का लिंक या आईपी मिल जाएगा, वहाँ पे आप कनेक्ट करके उनके सर्वर में जाके आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।